दोस्तों देख सकते हैं भारत का सबसे जहरीला सांप इंडियन कॉमन क्रैच जिसे साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। ये सांप जो है बिस्तर पे चढ़ के रात में बाइट करते हैं, बिस्तर पे चढ़ के इंसानों के पसीने। जय शंकर भोले, भूल न जाना, छोड़ दूर न जाना, दम लगा के चुस्की। आ गया दोस्तों इसका फाइनली सिर कैच में। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिश्रा रेस्क्यू टीम, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता है आप सभी का। दोस्तों देख सकते हैं एक बार फिर से सूचना मिला, यानी घर परिवार सूचना दी है। दोस्तों देख सकते हैं हमारे चाचा जी हैं और इन्हीं के घर में निकला हुआ है, इन्होंने हमको सूचना दी है। चाचा जी एक बार अपना नाम पता बता दीजिए। बस जीत बहादुर विश्वकर्मा खोजापुर। चलिए इस सांप को कितनी देर पहले आप देखे? बस 15 मिनट। थाना कादीपुर डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर, जो हमारा है वही आपका है। तो चलिए दोस्तों निकाल दिखाते हैं, लेकिन है तो काफी रिस्की काम, तो उससे पहले अपना आई जो एकदम स्थिर करके रखिएगा, क्योंकि कहा पता आज का दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो। दोस्तों सांप पकड़ना काफी रिस्की काम होता है और ऐसे में खतरा बना रहता है, और जब मौत आती है किसी से बता के नहीं आती है। चलिए पहले चलते हैं सांप के करीब में, देखते हैं वो सांप है कौन सा। आइए प्लीज देखते हैं अपने भारत देश का सबसे जहरीला सांप हमारे चाचा जी के घर में पता नहीं क्या करने आया है। दोस्तों देख सकते हैं भारत का सबसे जहरीला सांप इंडियन कॉमन क्रैच जिसे साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। दोस्तों वैज्ञानिक नेम बंगारस कैरुलस, यानी बुंगारस कैरुलस, चाहे बंगारस कैरुलस बोले चाहे बुंगारस कैरुलस बोले, लिखा दोनों जाता है। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं कॉमन करैत है, इंग्लिश में इंडियन कॉमन करैत, हिंदी में करैत, और इसी को साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। अपना वैज्ञानिक से बंगारस कैरुलस के नाम से जानता है। दोस्तों इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर होता है जो कि डायरेक्ट तंत्रिका तंत्र को बाधित करता है, यानी नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों वही वो सांप है जिसके काटने के बाद पता नहीं चल पाता क्या काटा है, पता नहीं चल पाता क्या काटा है। इसका दांत इतना छोटा छोटा होता है, ये काट लेगा पता ही नहीं चल पाएगा क्या काटा है। तो चलिए इसे कैच करते हैं, आप लोग वीडियो कल तक बने रहिए। चलिए थैंक यू, आइए इसके पास में चलते हैं। दोस्तों ये काफी फुर्तीला सांप होता है, भागता बहुत तेजी से है। दोस्तों सिरवत इसका इधर है और एक कुंडली मार लेगा। दोस्तों बहुत तेजी से भागता है, बहुत तेजी, बहुत फुर्तीला सांप होता है। चलिए दोस्तों फाइनली इसको कैच कर लिए। दोस्तों बहुत फुर्तीला सांप होता है, बहुत ही एक्टिव होता है, इसका सिर बिना पकड़े मानेंगे नहीं, क्योंकि ये छड़ी नहीं है। पहली बात इसका सिर पकड़ना समझ लीजिए बच्चों का खेल नहीं होता है, बहुत तेजी से फुर्तीला सांप होता है। दोस्तों ये सांप जो है बिस्तर पे चढ़ के रात में बाइट करते हैं, बिस्तर पे चढ़ के इंसानों के पसीने की बदबू जो है काफी से पसंद होती है, जिसको सेंस करने के लिए बिस्तर पे आते हैं। जैसे हमारा और आपका कुछ पसंदीदा चीज होता है, वैसे इस सांप का है इंसानों के पसीने की बदबू, इस सांप को बहुत ज्यादा पसंद होती है, जिसको सेंस करने के लिए बिस्तर पर आते हैं। अनजाने में करवट फेर बदल करते समय हाथ पैर पर जाता है और बाइट कर देता है। चलिए इसे बाहर लेके चलते हैं। दोस्तों काफी ज्यादा उछल कूद मचा रहा है, ऐसे में इसका सिर कैच कर लें, उसके बाद ले चल के बाहर चलेंगे। देख सकते हैं कितना तगड़ है, बहुत फुर्तीला सांप होता है, बहुत तेजी से बाइट करता है, काट लेगा पता ही नहीं चल पाएगा। अगर आप देखे रहेंगे, यानी अगर आप देखे रहेंगे तो आप समझ जाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं। अगर आप देखे नहीं है तो जान ही नहीं पाएंगे क्या काटा। गरम तो नहीं ना। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही इसको बाहर लेके चलते हैं। बाहर आ चुका है भैया, सब लोग दूरी बना लीजिए। दोस्तों देख सकते हैं यमराज है साक्षात, ठंड नहीं फुलाता है, इसके चक्कर में आप लोग ना रहिएगा। दोस्तों यमराज है, देख सकते हैं हम थोड़ा सा काम कर रहे थे, जैसे सूचना मिला बिना स्टिक बिना सूज वैसे चल पड़े, क्योंकि दोस्तों इंसानों को अगर कोई खतरा हो जाएगा बेजवानों को बचाने के लिए और समाज को अपने जागरूक करने के लिए और उनको बचाने के लिए, यानी उनको भी बचाते हैं, बेजवान को बचाते हैं और डर भय से मुक्ति दिलाते हैं। जय शंकर भोले, भूल न जाना, छोड़ दूर न जाना, दम लगा के चुस्की। आ गया दोस्तों इसका फाइनली सिर कैच में। दोस्तों यही है इंडियन कॉमन क्रैच जिसे क्रैच के नाम से जानते हैं हिंदी में, बहुत ही जहरीला सांप है, दिन रात मौत से लड़ते हैं हम लोग,
और आज कोई नई बात नहीं है, आज भी लड़ रहे हैं, का दिक्कत है। पैटर्न आप लोग चुन लीजिए, दोहरी लाइन यानी व्हाइट व्हाइट दोहरी लाइन रहेगी। घर की स्थिति भी ठीक है, कोई बहुत ज्यादा कूड़ा करकट नहीं है इस घर में, लेकिन दोस्तों ये भोजन तो चलिए दोस्तों फाइनली इसको भी पैक करते हैं, यानी कैश तो कर लिए, फाइनली पैक करेंगे। ठीक, इतना तगड़ मिस करने की कोशिश कर रहा है कि छटका ले, लेकिन दोस्तों जो हाथ में आ गया बहुत तेजी से नहीं पकड़ते हैं, पकड़ते बहुत प्यार दे हैं, लेकिन दोस्तों ये मिस नहीं होगा, क्योंकि ऐसे जगह से पकड़ लिया जाता है कि वहां से मिस हो ही नहीं सकता, इतना एक्सपीरियंस है, इतना अनुभव है। तो चलिए दोस्तों फाइनली अभी इसे पैक करते हैं। दोस्तों यमराज तक काल बन के घर में आया था, लेकिन दोस्तों मारने वाला और बचाने वाला भगवान होते हैं, जब तक ऊपर से बुलावा नहीं आएगा तब तक कोई किसी का बाल बाका नहीं रहा। दोस्तों देख सकते हैं कितनी स्किन इतना चमकीला होता है कि रात में कहीं भी दिखेगा, चाहे उजनानी रोशनी हो या ना हो, लेकिन इसका स्किन चमकेगा जरूर, जरा से भी रोशनी पड़ेगी बहुत तेजी से चमकता है, अंधेरे में बहुत चमकीला शरीर होता है इसका, स्किन होता है। इस सांप के काटने के बाद ऐसा देखा है कभी कभी पूरा परिवार को मौत की नींद सुला सकता है, इतना इसमें पावर है, यानी एक ही सांप पूरे परिवार को साफ कर सकता है, इतना क्षमता है। एक के बाद एक 60 लोगों को काटेगा, 60 लोगों की क्षमता रखता है मारने, क्योंकि इसके पास ज्यादा नहीं, इसका अगर 2 मिलीग्राम जहर अगर एक इंसान के शरीर में चला जाता है तो इंसान बचेगा नहीं, उतना ही पर्याप्त है 2 मिलीग्राम जहर, इतना जहरीला है। अब कोबरा, कोबरा समझ लीजिए, कोबरा 12 मिलीग्राम जहर छोड़ेगा तब जाके इंसान मरने का थोड़ा संभावना बढ़ता है, 12 मिलीग्राम, अभी अगर 2 मिलीग्राम छोड़ दे रहा है तो जान ले रहा है, तो जहरीला कौन हुआ, कॉमन करैत हुआ। कोबरा एक इंसान को बाइट करेगा केवल पहले वही मरेगा, दूसरे को बाइट करेगा तो दूसरे के पास इतना उसके पास जहर ही नहीं रह जाता कि उसको मौत की नींद सुला सके, लेकिन ये सांप इतना जहरीला है क्या बताएं। बैठे रहा ना। तो दोस्तों फाइनली अब इसको कैच कर चुके हैं, इसका सिर कैच में आ गया, दोस्तों देख सकते हैं इसका पूरा पैटर्न आप लोग पहचान लीजिए, दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस सांप को आप देख लीजिए तो ऐसा मत समझिए यमराज है। तो चलिए दोस्तों अब इसे कैच करके इसे बैग में डाल दे रहे हैं, हमारा भालू आया है। तो चलिए दोस्तों, तो यमराज था, काल बन के घर में आया था, लेकिन दोस्तों हमारे रहते हुए ऐसे मेजबानों पर ना ही कोई मार सकता है ना ही घर परिवार को खतरा होगा, तुरंत तुरंत मौके पर हम लोग पहुंचते हैं, सूचना मिलता है तुरंत तुरंत, समय वेस्ट नहीं करते हैं। तो थैंक यू, अब इसे पैक कर दिए हैं, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये जय जय भारत बाय। लेकिन दोस्तों एक प्यारा कमेंट करिएगा और बताइएगा वीडियो कैसा, चलिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू, थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करिए क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगता है ऐसे काम को करने में।